नमस्कार, मैं हूं नीरा वाटर। इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं टिपटॉप हरियाणा के माध्यम से, जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से करनाल पुलिस की बात की जाए, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ लॉकडाउन अभी तक चलानिंग का जो प्रोसीजर है उसी तरीके से कंटिन्यू है, ताकि लोग जो है सतर्क रहें, घरों से मास्क पहनकर निकलें और अपनी सेफ्टी के लिए अगर टू व्हीलर पर ट्रेवल कर रहे हैं तो हेलमेट जरूर से जरूर पहने। अभी फिलहाल एक बाइक को जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर रोका गया है, हालांकि हेलमेट इनके हाथ में था लेकिन फिर भी इन्होंने पहना नहीं हुआ था। एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इशारत अली है। मैं अभी, मेरा फ़ोन आ गया था, फ़ोन पिक किया था तो इस वजह से नहीं पहन पाया। अभी मैंने ये जो पीछे ही उतारा था। सर फ़ोन पे बात कर रहे थे, बाइक पे? बाइक पे नहीं, साइड में लगा के अभी मैं चला हूँ तो मैंने ध्यान नहीं दिया मैम। तो आप देख सकते हैं, हालांकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको रोकने की कोशिश की जाती है लेकिन वो रुकते नहीं हैं। इनको भी अब जो है यहाँ पर रोका गया है। अब देखना यही होगा कि क्या कुछ पेपर्स इनके चेक किए जाएंगे, क्या पूरा मामला है। इनके हाथ में हेलमेट था लेकिन लगाया नहीं था, हालांकि इनका कहना है कि फ़ोन आ गया था जिसकी वजह से रुककर फ़ोन सुना था और उसके बाद हाथ में ही हेलमेट पकड़ा हुआ था। घरों से निकल रहे हैं तो अगर टू व्हीलर पे हैं हेलमेट ज़रूर पहने, क्योंकि रोड एक्सीडेंट्स की अगर बात की जाए काफ़ी ज़्यादा बढ़ते नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इन अंकल जी के भी जो है यहाँ पर पेपर्स चेक किए जा रहे हैं एक्टिवा के सारे, हालाँकि इन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ है। अंकल जी कहाँ से हो, क्या नाम है? मेरा नाम बोटाराम है जी। आपने हेलमेट नहीं पहना? नहीं पहना। पेपर्स पूरे हैं आपके? पूरे हैं मैडम। तो आप देख सकते हैं हालांकि इनके पेपर्स पूरे हैं, बस हेलमेट नहीं पहना हुआ था, मास्क भी लगाया हुआ है। फिलहाल पेपर्स इनके चेक किए जा रहे हैं। सर अब इनका कोई चलान होगा? चलान नहीं मैडम, ये अगर पेपर पूरे हैं तो इनका चलान नहीं होगा। और इन्होंने एक हेलमेट ही लगा रखा, हेलमेट का चलान जरूर होगा इनका। तो आप देख सकते हैं पेपर्स हालांकि इनके पूरे हैं लेकिन हेलमेट इन्होंने नहीं लगाया हुआ था। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी ज़रूर कर दें। वहीं दूसरी ओर मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि हेलमेट इस व्यक्ति के पास था लेकिन इन्होंने नहीं पहना था। अभी फ़िलहाल इनके सभी पेपर्स जो हैं वो चेक किए जा रहे हैं। करनाल पुलिस एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा अलर्ट नज़र आ, वो देखिए एक्टिवा को किस तरीके से मोड़ कर भगा कर ले गए। जब उनको रोकने की कोशिश की गई तो एक्टिवा को वापस से मोड़ कर भगा कर यहाँ से ले गए। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कर दें। करनाल पुलिस आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा एक्टिव एक बार फिर से यहाँ पर नज़र आ रही है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं टिपटॉप हरियाणा के माध्यम से। घरों से निकले तो पेपर्स ज़रूर पूरे कर लें, क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए जहाँ एक तरफ लॉकडाउन चल रहा है, शायद नाम का ही, क्योंकि अगर सड़कों पर देखा जाए भीड़ नॉर्मल डेज से भी ज़्यादा नज़र आती है। वहीं दूसरी ओर करनाल पुलिस पूरे तरीके से कोशिश कर रही है लोगों को सतर्क करने की, लोगों को समझाने की। आप देख सकते हैं अब फिलहाल इनके पेपर्स जो हैं वो चेक किए जा रहे हैं। एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर पेपर्स पूरे सर हैं, एक बार उनसे बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं एक और एक्टिवा को यहाँ पर रोकने की रोका गया है, एक और स्कूटी को जो है यहाँ पर रोका गया जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। भाई अपनी सेफ्टी तो रखो, अपनी सेफ्टी रखे, सही है आपकी बात, सही बात। फिर इतनी महामारी चली, थोड़ा बचो, बच के चलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समझे ना? नहीं आपकी बात सही है, अपना सारा सेफ्टी रखो, सेफ्टी बगैर कैसे चलेंगे? ठीक है, हमारी हमारी गलती है जगदीश, जगदीश। तो आप देख सकते हैं बच्चे की दवाई लेने के लिए गए थे इसलिए जल्दबाजी में। नहीं नहीं कोई बात नहीं अंकल, मुझे मत दिखाओ। नहीं नहीं कोई बात नहीं अंकल जी, आप जाओ। तो आप देख सकते हैं बच्चे की दवाई लेने के लिए निकले थे और जल्दबाजी में जो है कहा जा रहा है कि हेलमेट भूल गए। फिलहाल एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर इनका अब चलान काटा जाएगा? नहीं, अपनी गलती मान रहे हैं सर। नहीं इसको बच्चे की दवाई लेनी है, इसको इमरजेंसी है तो कोई बच्चे की दवाई लेनी है तो जाओ। तो ये वेदपाल जी हैं जो कह रहे हैं कि अपनी गलती भी मान रहे हैं, बच्चे की दवाई लेने के लिए जा रहे थे, उन्हें छोड़ दिया जाएगा। तो करनाल पुलिस बिना मतलब के चलान बिल्कुल भी नहीं काटती, आप देख सकते हैं। जाओ ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही है जी, गलती है मेरी, मैं मान रहा हूँ। कोई बात नहीं, इमरजेंसी के लिए हम आपको, कोई बात नहीं, मान रहा हूँ, सब कुछ है, दिक्कत नहीं है। दूसरों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, घरों से निकले तो हेलमेट पहन के? सभी से यही कहूँगा भी अपना सेफ्टी अपने हाथ है। तो आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से इन व्यक्ति ने जो है खुद की गलती मानी और फिलहाल आप देख सकते हैं दूसरों को भी, जो भी आने जाने वाले व्यक्ति हैं उन सबको यहाँ पर रोक कर उनके पेपर्स की जो है चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी ज़रूर कर दें। इनके भी जो है आप देख सकते हैं सर इनका चलान किया गया है। जी
इनका चलान किया गया है? चलान करेंगे जी मैम, इनका कागज चेक कर लिए हैं, लेकिन हेलमेट नहीं है, विदाउट हेलमेट का चलान करेंगे जी। सर ये हेलमेट इनके हाथ में था, कह रहे थे अभी फोन के लिए रुके थे। लेकिन आपने भी फोटो खींचा, हमने मोबाइल में फोटो खींचा, इसके पास हेलमेट था लेकिन लगाया नहीं इन्होंने, उसका चलान होगा। तो आप देख सकते हैं हेलमेट था लेकिन हाथ में था, लगाया नहीं गया था, जिसकी वजह से चलान अभी ने भुगतना ही होगा। कितने रुपए का चलान है सर? 1000 रुपए का मैम, हेलमेट का। हाँ जी मैम, हेलमेट का 1000 रुपए का चलान जो है फिलहाल इन्हें भुगतना होगा। एक बार बातचीत भी कर लेते हैं सर, आपके हाथ में था, कहाँ आपने उतारा था, मतलब अब आपको 1000 रुपए का चलान भुगतना पड़ रहा है? हॉस्पिटल के सामने उतारा था जी, हमने फोन आ गया था, एक कॉल नहीं, क्या कर सकते हैं अब, आप लोग ही नहीं पीछा छोड़ रहे होते हैं तो जब छोड़ेंगे? नहीं सर, मैं हम क्या पीछा रहे, हम तो खबर कर रहे हैं ना सिर्फ, ना हमने उन्हें ये कहा कि आप चलान काटें, ना हमने ये कहा कि आप ना काटें, हमारा तो इसमें कोई रोल ही नहीं, हम तो सिर्फ आपसे जानकारी ले रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है। आपको नहीं लगता कि आपकी गलती थी, आप हेलमेट के? हम तो गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं, हेलमेट है हमारे पास, अगर ना होता हेलमेट हम तो, तब तो हमारी गलती भी थी, गलती तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, रूल हमने तोड़ा है। तो आप देख सकते हैं हालांकि इनका यही कहना है कि गलती हम खुद की एक्सेप्ट कर रहे हैं, और लेकिन इनका चलान जो है 1000 रुपये का ऐसा बताया जा रहा है काटा जाएगा। और जो भी लोग ये कहते हैं कि मीडिया के खड़े होने की वजह से जो है पुलिस वाले नहीं छोड़ते हैं, तो ऐसा नहीं है। अभी आपके सामने एक अंकल जी को यहाँ पर छोड़ा गया क्योंकि उनकी कुछ मजबूरी थी, और ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है कि हम उन्हें चलान काटने के लिए बोलें या उन्हें रोकें। तो इस तरीके के जो भी लोग कमेंट करते हैं उनके लिए कहना बताना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक था। आप देख सकते हैं फिलहाल करनाल पुलिस, आपको दिखाया कि किस तरह से जो सेक्टर 14 के इस समय चौक पर है चलान किए जा रहे हैं। एक अंकल जी हैं जिनका हालांकि अभी चलान हुआ है, ये उनसे भी बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं कि किस चीज़ का चलान उनका हुआ है और क्या कुछ जो है उनके कागज़ पूरे नहीं थे, या क्या कुछ किस चीज़ का उनका चलान किया गया है। अंकल जी किस चीज़ का चलान किया गया है? मास्क का चलान हुआ है भैया। मास्क का चलान हुआ है आपका, बट मास्क तो आपने पाया हुआ है? अभी लगाया मैंने, अभी लगाया मास्क। सर हेलमेट तो पहन के आए थे, यही लगाया था, इन्होंने देख लिया। सर हेलमेट, मतलब मास्क का इसलिए कटवा रहे क्योंकि मास्क का 500 का है और का 1000 का है। सर हेलमेट तो आपके पास है ही नहीं, उसका चलान इनसे बात करो। सर किस चीज़ का चलान किया गया इनका? इनका हेलमेट का चलान कर रहे हैं अभी, इनका हेलमेट का चलान कर रहे हैं, लेकिन अंकल जी तो मास्क का कह रहे हैं। सर देखो सर, पब्लिक आए, हम रोक खड़ी सकते हैं किसी को, कोई भी कुछ कर सको, हेलमेट का चलान किया जा रहा है इनका। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हालांकि इनका हेलमेट का चलान जो है यहाँ किया जा रहा है, लेकिन लोग जो कि ये चीज़ सोचते हैं कि मास्क का चलान 500 का है तो हम मास्क का कटवा लेते हैं, हेलमेट का नहीं कटवाते। हेलमेट का चलान जो किया जाता है वो आप लोगों की सेफ्टी के लिए किया जाता है, कहीं ना कहीं हेलमेट पाना आप ही के लिए सुरक्षित है, ना कि सरकार के लिए या फिर ना कि जो ये लोग हेलमेट। अब आप देख सकते हैं किस तरह से हेलमेट हालांकि आगे लटका हुआ है लेकिन डाला नहीं हुआ, क्या लटके हुए हेलमेट आपकी सेफ्टी कर सकता है? कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल। आप देख सकते हैं हेलमेट हालांकि लटका जरूर हुआ है लेकिन इन्होंने डाला नहीं हुआ, लटका हुआ हेलमेट क्या इनकी सेफ्टी कर पाएगा? इनसे भी बातचीत करके हम जरूर कोशिश करेंगे, हेलमेट इन्होंने लटकाया हुआ है। राकेश है जी। सर आपने हेलमेट आगे लटकाया हुआ है, ये डाला क्यों नहीं हुआ? कोई चीज लेने लगा था, उतारा और वहां से ली और मैं इधर आ गया, बस यही पीछे 2 कदम पीछे ही। सर क्या ऐसे हेलमेट जो आपने लटकाया हुआ है ये आपकी लटके हुए सेफ्टी कर पाएगा? सेफ्टी नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, सेफ्टी नहीं है। पेपर्स इनके चेक। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पेपर्स अब इनके चेक किए जाएंगे। एक बार हम सर से भी बात करते हैं। सर क्या ये जो इनको रोका गया किस लिए रोका गया अभी यहाँ पे? हेलमेट इन्होंने यहाँ पे रख रखा था, हेलमेट इन्होंने सर पे लगा नहीं रखा है इसलिए इनको रोका है, और ये रोक भी रहे थे काफी दूर जाके रोका, आपने देखा भी है। अब इनके पेपर्स वगैरह भी चेक किए जाएंगे? बिल्कुल चेक किए जाएंगे, जो पेपर पूरा नहीं होगा उसको चलान दो। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पेपर्स अब इनके चेक किए जाएंगे। एक और व्यक्ति आप देख सकते हैं बाइक के ऊपर जो है उसे रोका जा रहा है, ना उन्होंने फिलहाल मास्क पाया हुआ है, मास्क की जगह पे हालांकि परना जो है उन्होंने वो ज़रूर लगाया हुआ है। हेलमेट आप देख सकते हैं इनके पास हेलमेट भी नहीं है, ना इन्होंने हेलमेट पाया हुआ है। पीछे एक अंकल जी भी हैं, गाड़ी वाले को भी हालांकि जो है रोका गया है, गाड़ी का भी मास्क हालांकि लगाया, लेकिन आप शीशे देख सकते हैं किस तरह से ब्लैक शीशे गाड़ी वाले ने किए हुए हैं। गाड़ी वाले को हालांकि जाने दिया गया लेकिन मास्क और हेलमेट के चलान आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार किए जा रहे हैं। 2 लोगों को और भी यहाँ पर रोका गया है जिनके पास हेलमेट्स नहीं हैं, मास्क
कहीं ना कहीं सब लोग ज़रूर पाकर निकल रहे हैं, लेकिन नाक से नीचे उनके मास्क होते हैं। तो हम एक ही चीज़ आप लोगों को कहना चाहेंगे, मास्क जो है वो नाक पर अपने लगा के रखें, नाक और मुंह दोनों चीज़ें मास्क से कवर करें। सिर्फ चलानिंग से बचने के लिए मास्क ना लगाएं। देख सकते हैं आप किस तरह से वीडियो में कुछ लोग जो है वापस मोड़ते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, अपनी गाड़ियाँ अपनी बाइकें पुलिस को देख कर वापस मोड़ लेते हैं ताकि उनका चलान ना हो। आप देखिए किस तरह से बड़े बुज़ुर्ग लोग भी, हालांकि सिर्फ हम इसमें नौजवानों को नहीं गिनेंगे कि सिर्फ नौजवान ही ऐसा नहीं करते, बड़े बुज़ुर्ग जो हैं आप देखिए किस तरह से, एक दूर एक अंकल खड़े हैं जिन्होंने हेलमेट अब पुलिस को देखकर लगा रहे हैं। देखिए डिग्गी में हेलमेट रखा हुआ था जो अब पुलिस को देखकर हेलमेट वो लगाने लगे हैं। तकरीबन उन अंकल जी की एज 45 से 50 के बीच में हमें देखने में लग रही है, उसके बावजूद आप देख सकते हैं किस तरह से सावधानियां जो है वो नहीं बरतते, अभी भी हेलमेट जो है पुलिस को देखकर उन्होंने लगाया है और अब पुलिस के आगे से निकलेंगे। कहीं ना कहीं बहुत ही एक गलत चीज़ आप देख सकते हैं किस तरह से ये अंकल जी ने पुलिस को देखकर हेलमेट डिग्गी में से निकाला और फिर हेलमेट लगाया। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करते रहें ताकि करनाल के लोग सतर्क रह सकें। जो मास्क है और जो ये हेलमेट है वो आप लोगों की सेफ्टी के लिए है, मास्क और हेलमेट ज़रूर लगाएं। सर क्या कुछ यहाँ पर हुआ है अभी? कंप्लीट है ये डॉक्यूमेंट मेरे, कागज़ कंप्लीट है आपके? तो सर हेलमेट जो आपने आगे लगा रखा था उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? मैंने तो यहीं से उतारा, अब जो करेंगे यही करेंगे, मैंने क्या करना है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हेलमेट इन्होंने हालांकि आगे टांगा होता है, एक और जो व्यक्ति है उन्हें रोका गया है, इनके पास भी हेलमेट जो है वो नहीं है। तो ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं सेक्टर 14 चौक से और आप देख सकते हैं किस तरीके से हेलमेट जो है इन व्यक्ति ने नहीं पहना हुआ है। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी ज़रूर कर दें। इस एक्टिवा को फिलहाल रोका गया, अब देखना ये होगा कि क्या इनका हेलमेट का चलान किया जाएगा या फिर इन्हें फिलहाल समझा कर छोड़ दिया जाएगा। ये देखिए काफ़ी लोगों के जो है लगातार यहाँ पर चलान करते नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप लोग भी घरों से बाहर निकलते हैं तो प्रॉपर सेफ्टी के साथ पूरे पेपर्स के साथ मास्क लगाकर हेलमेट लगाकर ही घरों से बाहर निकलें। आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट करते नज़र आ रहे हैं अंकल जी। सर तो इनकी रिक्वेस्ट मानी जाएगी, छोड़ा जाएगा इन्हें? नहीं नहीं यहीं से हम नहीं, कानून तो अपना काम करेगा जी, जो कानून काम है कानून अपना काम करेगा। सर एक तरफ लॉकडाउन की मार, दूसरी तरफ ये चलान, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी समझते हैं गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी काफी मरा हुआ है इस टाइम। जिसको इमरजेंसी है, जिसको कोई ऐसी चीज है, हम उसको चलान नहीं करते। जो आवारा फिरता है ना, जिसको कोई काम ही नहीं है, चलान उसको होता है। वेदपाल जी थे जिनका यही कहना है किसी को इमरजेंसी होती है, कोई गरीब इंसान है तो हम उसका चलान छोड़ देते हैं अगर गलती से हुआ है और गलती एक्सेप्ट की जाए तो। वो देखे फोन मिलाकर बात करवाने की कोशिश, लेकिन पुलिस जो है फोन पर बात करने की के लिए नहीं मान रही है। सर क्या नाम है आपका? एक मिनट जी, देखो कागज। तो आप देख सकते हैं फिलहाल फोन यहाँ पर निकल चुका है, फोन पर बात करवाने की कोशिश जो है वो की गई लेकिन मना कर दिया। सर फोन पे बात करा रहे थे आपकी? नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं, अपने खुद ही बात कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से कर रहे हैं। मैंने देखा आपको फोन पकड़ा नहीं, मेरे को तो नहीं फोन पकड़ा रहे, नहीं कागज बोलने दिखाने के लिए बोल रहा है, मैंने कागज दिखा रहे हैं। तो पेपर्स यहाँ पर फिलहाल चेक किए जा रहे हैं। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी ज़रूर कर दें। घरों से निकलें तो पूरी सेफ्टी के साथ निकलें क्योंकि रोड एक्सीडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ अब तो कोरोना के साथ ब्लैक फंगस जैसी जानलेवा बीमारी भी जो है करनाल में आ चुकी है, जिसके लगभग 41 केसेस अभी आ चुके हैं अभी तक और 9 लोगों की उसकी वजह से डेथ भी हो चुकी है। जो ब्लैक फंगस है मैं बता दूं, नाक के थ्रू एंटर करके आँखों तक जाती है और उसके बाद अगर दिमाग तक पहुँच जाए तो ज़्यादातर केसेस में जो व्यक्ति है उनकी डेथ हो जाती है। तो आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर चलानिंग की जो ये प्रक्रिया है वो जारी है, लोगों को रोका जा रहा है, जिसने भी हेलमेट या मास्क नहीं पहना है सभी को यहाँ पर रोक कर चलान काटे जा रहे हैं। और सभी करनाल वासियों से हमारी यही अपील है कि ये खबर दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है ताकि आप लोग जागरूक हो सके कि किस तरीके से इस लॉकडाउन के समय पर जहां वैसे ही मिडिल क्लास और गरीब वर्ग के लोगों की कमर टूटी हुई है, कहीं उन्हें 5 रुपये के मास्क के बदले 500 रुपये का चलान ना भरना पड़ जाए। ये खबर दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप लोग पहले से ही घर से हेलमेट मास्क और अपने कंप्लीट पेपर्स के साथ ही निकलें। आप देख सकते हैं एक सल्यूट करनाल पुलिस को भी ज़रूर बनता है जो कि लॉकडाउन के पहले दिन से अभी तक लोगों को जागरूक करने के लिए इसी तरीके से जो है लगातार लगी हुई है और
लगातार कोशिश कर रहे हैं जागरूक किया जाए। इसके आगे की जो खबर है वो मेरी सहयोगी अंजलि। जैसा कि ये लाइव तस्वीर है आप देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 14 से, हमारे सहयोगी ने भी आपको बताया कि किस तरह से करनाल पुलिस लगातार चालानिंग कर रही है। आप देख सकते हैं कि एक बाइक वाले को रोका गया है जिसने हेलमेट नहीं लगाया था, तो अब इनके पेपर चेक किए जाएंगे। आइए बात करके देखते हैं इनसे कि क्या कुछ कहना है सर का। अभी बताएंगे सर कि क्या कुछ अब इनके पर कार्रवाई की जाएगी। डेथ हो गई है ना, कोई बात नहीं, हेलमेट रोका चला जा। आप देख सकते हैं कि जिन बाइक वालों को रोका गया था इनके घर में कोई इमरजेंसी थी, किसी रिलेटिव की डेथ हो गई है, उसमें जा रहे हैं, तो सेफ रहना चाहिए ना, हेलमेट लगा रखना चाहिए थोड़ा। सर अब इनको हिदायत दे के छोड़ दोगे? अब छोड़ दे, चलान नहीं किया जाए, चलान नहीं करते। तो आप देख सकते हैं जिनकी अगर कोई मजबूरी है तो उनको, अगर गलती से वो हेलमेट वगैरह भूल गए हैं तो उनको छोड़ा जा रहा है। आंटी जी मास्क है। तो आप देख सकते हैं जो लोग किसी व्हीकल पे नहीं है तो वो बिना मास्क के जा रहे हैं, ऐसी लापरवाही लोगों में देखने को मिल रही है। तो 5 रुपए के मास्क के पीछे 500 रुपए के चालान से बचने के लिए मास्क लगाना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं करनाल पुलिस लगातार अलर्ट दिखाई दे रही है, जो भी लोग बिना मास्क या बिना हेलमेट के घरों से निकल रहे हैं उनके चालान लगातार किए जा रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ ये है कि लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखा जा सके और लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया जा सके कि हेलमेट और मास्क उन्हीं की सेफ्टी। सहयोगी कशिश और नीरा माटा के साथ मैं संजना, टिप टॉप हरियाणा। और आप देख सकते हैं दूध वाले को यहाँ पर रोक लिया गया। जी हाँ, दूध वाले को यहाँ पर रोक लिया गया है, पूछते हैं इनसे, बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? हाँ जी, क्या? सुरेश। आपने हेलमेट नहीं लगाया हुआ? जल्दी जल्दी में भैया, आप इतने घरों में दूध बांटते हो तो आपकी सेफ साइड क्या है? कितने घरों में दूध बचता है? दूध तो बांट करता है, सेफ साइड क्या आपकी? ना आपके पास हो है सैनिटाइजर? तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक दूध वाले को भी यहाँ पर रोका गया है, जिसने ना ग्लव्स डाले हुए हैं, ना है कोई सैनिटाइजर वगैरह साथ में रखा हुआ है, ना जाने कितने घरों में ये दूध जाता होगा। सर हेलमेट क्यों नहीं लगाया? मैं, हमारे घर पर डेथ हो रखी है मेरी मम्मा की, मैं होश आवाज में नहीं हूँ, ठीक है? तो आपको अगर यकीन नहीं है आप देख सकते हो, ठीक है? मैं जाने दो तो।